हेलो माय डियर टू फैमिली, हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल सान्विक ब्लॉग्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज आपके साथ हम कुछ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो ये रेसिपी है पोहा की। पोहा रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया और उसमें डीप फ्राई कर लिए मूँगफली के दाने। इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। और उसके बाद में सेम ऑयल में हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट किया हुआ, बारीक कट किया हुआ डाल दिया। तो गाइस आज मेरे बच्चे ये लंच में, लंच बॉक्स के लिए पोहा लेके जाने वाले हैं लंच बॉक्स में। तो उसी के लिए हम यहाँ पे उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, वही बना रहे हैं। तो जब तक हमारी प्याज जो भुन रही है, हमने पोहा निकाल लिया, साइड कर दिया। तो प्याज के भुन जाने के बाद इसमें हमने थोड़ी सी करी लीव्स डाल दिए। गाइस कट करके नहीं डालते हैं, साबुत इस वजह से डालते हैं क्योंकि पति जी को पसंद नहीं है, बट इसका फ्लेवर उन्हें पसंद है, इस वजह से हम डालते हैं। और मेरे बच्चों को और हमें करी लीव्स अच्छे लगते हैं, तो साबुत इस वजह से डालते हैं क्योंकि उन्हें साइड करने में आसानी होती है, हटाने में। अगर बारीक कर देंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, वो खाएंगे नहीं फिर। और उसके बाद में हमने यहाँ पे बारीक कट किए हुए आलू डाल दिए क्योंकि मेरे बच्चों को पोहा के साथ में आलू बहुत पसंद है। और तभी वो ज़्यादा, मतलब भैया जी खास करके, वो तभी पसंद करते हैं जब हम आलू डालते हैं इसमें। और देख सकते हो, उसके बाद हमने ग्रीन चिली डाल दी। इसमें 3 ग्रीन चिली ऐड की हमने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। गाइस आप जितना भी स्पाइसी खाना पसंद करो उतनी ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। उसके बाद में हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दी। और हल्दी के बाद में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर दिया। 1/2 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करनी है और 1/2 लेमन का जूस ऐड करना है। इस तरह से अगर आप बनाओगे बहुत टेस्टी लगता है गाइस। उसके बाद में पोहा को धुल के और जैसे ही वॉश किया, तुरंत जस्ट हमने इसमें ऐड करके मिक्स कर दिया। और 2 मिनट के बाद इसमें हमने ऊपर से मूंगफली के दाने और धनिया से इसको गार्निश कर दिया। गाइस देख सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है। इसी तरह से बनाइए, आपको खा के ज़रूर मज़ा आने वाला है। गाइस बाबू, दिवाली आ रही है, दिवाली पे हमें लहंगा दिला देना। बच्चा ठीक है, दिला देंगे। कलर तो बोल लेना पहले। कलर कलर ये की थोड़ी बात है। कलर तो कर लेना क्या? तो कलर तो दुकान से ही चूज करो। अभी तो कर लेना। अभी काज कर रहे हो यार, वो अपने मनपसंद बताएगी ना। तो आप कलर दिखवा दो, आपके संग में देख लो। बता, अच्छा बता, कौन सा कलर चाहिए? पर्पल ब्लाउज, पर्पल लहंगा और व्हाइट कलर का दुपट्टा। ये कैसा कॉम्बिनेशन है यार? कॉम्बिनेशन ऐसा है, पर्पल जंगो का फेवरेट कलर और वाइट वाइट छोरा का। बता जो कौन है, कौन है? जो कौन है आप जानते नहीं हो? नहीं, हम नहीं जानते। लो जी, हम बता मैंने कौन है। हाँ, हम क्या जाने यार, सुगा और सिवा कौन है? सुगा जंको, ये कौन है भाई? जंको को सिवा कौन है? पूरा सही से तो नाम बताओ, कहाँ रहते हैं? अरे कोरिया है वो। अरे तो कोरिया, कोरिया में रहते हैं। तुम कैसे जानने लगे? अरे बोलो, मेरे फेवरेट है स्टार है, बोलो बीटीएस की। बीटीएस टीम के स्टार है? ले बीटीएस टीम के स्टार। बीटीएस क्या है? अच्छा वो जो आता है यूट्यूब पे, जो तुम लोग देखते रहते हो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, लोग पसंद करते हैं यार, अपने पसंद पहनो, माँ बाप के पसंद पहनो, माँ से पसंद करवा लो, पापा जी से पसंद करा लो, पापा से पसंद करा लेना। बाबू मेरे फेवरेट जंको, सुगा, वो जिमिन। तो फेवरेट है तो उन्हीं के हिसाब से पहनोगी क्या कपड़े? अरे तो क्या हुआ, बोलो कि देखेंगे तुम्हें क्या आयु क्या पहने हुए हैं। बोलो मेरे फेवरेट है इसलिए हमें उन लोगों कलर पहनना। अच्छा, सौम्य। हाँ? क्या है ये? गाइज ये एक बीटीएस टीम है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान गए होंगे हमारा ब्लॉग भी। और इनके फेवरेट है जंगकुक और सुगा, और इन दोनों का फेवरेट कलर पर्पल और वाइट है, जिसके कॉम्बिनेशन ये लहंगे में डालते हैं। अकल नहीं है जंगकुक, सो रहा है।
तो अमेज़ॉन पे भी बहुत से ऐसे पिलोज हैं जिसमें कि BTS की जैसे कि फोटो प्रिंट होती है, वो भी बहुत सारे इन्होंने वो उसमें बकेट में डाल रखे हैं। टी शर्ट, हाँ चलो मंगवा देंगे, हम टी शर्ट मंगवा देंगे। लहंगा उन लोगों कलर का मत पहनो, ठीक। इधर देखो टी शर्ट जंको को सुबह फोटो को मंगवा देंगे, ठीक। लेकिन लहंगा मेरे पसंद का पहनोगी, ओके पक्का डन। पहले बता दे तेरा फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा मेरा फेवरेट कलर है सी ग्रीन। वाह सी ग्रीन मस्त है, मेरा फेवरेट कलर है सी ग्रीन। तुम्हारा भी ओके